आखिर में कांग्रेस के आगे झुक गई है उद्धव ठाकरे की सेना। जी हाँ, MVA गठबंधन के अंतिम सीट का बंटवारा हो चुका है। महाराष्ट्र MVA गठबंधन के अंतिम सीट के बंटवारे के नतीजे ने साफ कर दिया है, कांग्रेस जो MVA में भाई बड़े भाई का रोल प्ले करने की इच्छा जाहिर कर चुकी है, वो कांग्रेस के राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के आलाकमान तक संदेश पहुंचते ही MVA में जो उथल पुथल थी, कहीं ना कहीं शरद पवार को यह फैसला लेने के लिए मजबूर कर बैठी कि वो उद्धव ठाकरे की UBT यानी कि शिवसेना गुट को कांग्रेस से पीछे रखे। जी हाँ, सीट के बंटवारे के मुताबिक कांग्रेस को 110 सीटें मिली हैं और शिवसेना UBT को 90 सीटें, जबकि NCP ने खुद, जी हाँ खुद NCP ने 75 सीटें रखी हैं। उद्धव ठाकरे के गुट को 90 मिला, शरद ने खुद 75 रखी, तो कांग्रेस को दिया गया 110 सीटें। यानी किसी भी हाल में इंडी गठबंधन में कोई भी दरारें नहीं आनी चाहिए, ऐसे बात का ख्याल रखते हुए शरद पवार ने MVA को लीड करते हुए MVA गठबंधन में कांग्रेस की जगह दिखाकर उद्धव ठाकरे को पीछे कर साबित कर दिया है कि कांग्रेस की अहमियत महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के गुट से ज़्यादा है। चाहे कितने भी संजय राउत ने हंगामे किए हों, लेकिन नतीजा कांग्रेस के लिए ज़्यादा पक्ष में निकल कर सामने आया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।